उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब तो हौसलों की बारी है। कोई जाकर बता दे उन हवाओं को, ये एक चराग कई तूफानों पर भारी है। जिंदगी हौसले का नाम होता है, हौसले जो इरादों से निकल कर आते हैं, और जब इरादे मजबूत हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ जाता है। और ये इरादे जिन्हें हम फौलाद कहते हैं, वो इंसान के जज्बातों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे जज्बात जो इंसान को किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रेरित कर देते हैं, और एक बार वो जज्बात जब जग जाते हैं तो इंसान एक इरादे कर लेता है कि मुझे अब लड़ना है और जीतना है। ऐसी एक शख्सियत को इस मंच पर लेकर आ रहा हूँ जिनका नाम है मोहिबुल्ला अंसारी। यूँ तो आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, UPSC 2020 की परीक्षा में बहुत ही एक सफलता के साथ निकले और 389th रैंक इन्होंने ऑल इंडिया हासिल की। पर सवाल रैंक का नहीं है, सवाल उस संघर्ष का है, सवाल उस यात्रा का है, उस जद्दोजहद का है जिससे एक कल एक ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ लड़का, एक सामान्य पृष्ठभूमि से आया हुआ लड़का जब अपनी शुरुआत करता है, सपने देखता है कि मुझे भारत की इस सबसे बेहतरीन परीक्षा सिविल सेवा को क्रैक करना है, लबासना पहुंचना है, अपनी मंजिल को पाना है, तो उस समय भी उसकी आंखों में वही सपने होते हैं। लेकिन जब इस हकीकत की जमीन पर उतरता है और लगातार उन असफलता की हवाओं से जब उसका सामना होता है तो हिम्मत कई बार टूटती है। लेकिन यहीं पर हीरोज निकल कर आते हैं समाज से, यहीं पर वो लोग निकल कर आते हैं जो ये बताते हैं कि टूट तो सकता हूं, टूट कर बिखर नहीं सकता, मैं उठूंगा, मैं जुड़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, दौड़ूंगा, और तब तक दौड़ूंगा जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती। स्वागत करता हूं इस मंच पे ओजांगा एस एकेडमी के, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और सबसे पहले ओजांगा एस एकेडमी के पूरे परिवार की तरफ, सभी ओजांकिन की तरफ को बहुत बहुत बधाई कि आज आपने रैंक हासिल की, अपने माता पिता को बहुत गौरवान्वित किया, हम सभी को बहुत गौरवान्वित किया, और मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। आई लाइक टू थैंक सर फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी हियर टू कनेक्ट टू द पीपल, और मैं लोगों से मिल पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के लिए सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो हमारी ऑडियंस आपकी इस यात्रा के बारे में जानना चाहती है। क्या ये सफलता आपको पहली बार में मिल गई, या असफलताओं ने आपको उस हद तक तोड़ दिया जहां से लगा कि शायद आप कभी जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आप कैसे वहां से निकले और जीतकर यहां तक पहुंचे? 2015 में मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, एंड 2015 से पास आउट होने के बाद मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट 2016 में दिया, एंड इट वाज आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं 2016 में ही पहली बार में इंटरव्यू तक पहुंच गया। बट अगली बार कुछ रीजंस की वजह से मैं एग्जाम से जस्ट पहले अगले अटेम्प्ट में मेन्स से जस्ट पहले किसी रीजन से मैं डिप्रेशन में चला गया, एंड मैं मेन्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके अगले अटेम्प्ट में मैं 0.6 मार्क्स से प्रीलिम छूट गया, उसके अगले अटेम्प्ट में 2 नंबर से प्रीलिम छूट गया। तो दिस इज माय जर्नी, जहां पे ये जर्नी रही कि आप पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक जाते हैं। जी सर, पहले मैं इंटरव्यू तक गया, इंटरव्यू तक जाते हैं, फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप मेन्स तक जाते हैं, फिर अचानक से कुछ एक ऐसा डिप्रेशन का फेज आता है, फिर आप प्री नहीं क्वालिफाई कर, 2 बार प्रीलिम नहीं क्वालिफाई कर पाता हूं, 2 बार लगातार, और मैंने यहां तक डिसाइड कर लिया था कि मेरे को अब छोड़ के चले जाना है, एंड दिस एग्जाम इज नॉट फॉर मी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे फादर ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, इतना साल लग गया है, एक साल और देते हैं, एंड वो एक साल मैंने सोचा कि देते हैं, एंड एक लास्ट अटेम्प्ट देना था बस इसलिए, और फिर मैंने उसके पूरी मेहनत की, और फिर मैंने सोचा कि अपना बेस्ट देना है, एक लास्ट अटेम्प्ट सोच के मैंने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया, एंड देन फाइनली आई वॉज सक्सेसफुल इनफ कि मैं इस बार क्वालिफाई कर गया, एंड फाइनली आई गॉट अ रैंक। आपने एक खास बात ध्यान दी कि असफलता और सफलता, पहले दूसरे अटेम्प्ट में आप आगे तक जाते हैं और उसके बाद आप डाउनफॉल आता है, डिप्रेशन, एक अंदर की लड़ाई। मैंने कहा था, हमेशा ये कहता हूँ कि सिर्फ ये किताबों का एग्जाम नहीं, यहाँ जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो अपने आप से लड़ना पड़ता है। पर डिप्रेशन में जाने का मतलब वहाँ से निकलना अपने आप में बड़ा मुश्किल हालात, और आप गिव अप करने जा रहे हैं। आप भी गिव अप करते हैं, आप भी सोचते हैं कि शायद हमारे लिए बड़ा मुश्किल, और कई लोग तो गिव अप करके चले भी जाते हैं। जी सर, लेकिन आपने मैसेज कितना क्लियर सुना, बस एक अटेम्प्ट, और वो मेंटर के रूप में आपके फादर आते हैं और कहता है कि जैसे इतना किया बस एक बार और कर लो, एक बार और कर दो। और मुझे ये पता था कि मैं एग्जाम कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस एग्जाम में लगती है वो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, एंड मैं करूँगा। उसमें हो सकता है आप कभी लो जा सकते हैं, कभी बहुत हाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक अगर विजन रहता है कि मुझे क्वालिफाई करना है और मैं कर सकता हूँ, आप श्योरली करेंगे। मे बी टेक मे टेक सम टाइम, आप टाइम लग सकता है आपको, बट आप क्वालिफाई जरूर करेंगे।
ऐसे बच्चे जो तैयारी करने आते हैं और कई बार किसी भी कारण से उनको असफलता का सामना करना पड़ता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे हम देखते हैं कि जो बुमराह बॉलिंग करते हैं उनका शॉर्ट रनअप होता है, शोएब अख्तर जो बॉलिंग करते हैं उनका लॉन्ग रनअप होता है। तो हो सकता है आपके जो डिलीवरी में है, रिजल्ट की डिलीवरी में, आप शॉर्ट रनअप ले सकते हैं, लॉन्ग रनअप ले सकते हैं, हो सकता है टाइम लग सकता है, बट आप कोशिश कीजिए कि जब आप बॉल फेंकें तो अच्छी बॉल फेंकें। आपको समय लग सकता है, आप फेल हो सकते हैं, 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट लग सकता है, बट आप क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि आप अगर अपना लाइन और लेंथ और गाइडेंस सही रखेंगे तो आप क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप समय को लेकर न डरें, आप अपना फोकस बिल्कुल सही रखें कि मेरे को बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है, लाइन और लेंथ सही रखनी है, आप क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। बहुत ही बढ़िया मैसेज है, और आपको भी यही करना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, किस स्टेज पर क्या मुश्किल आएगी, लेकिन अंत में वही जीतता है जो लास्ट मोमेंट तक अपना धैर्य बचाए रखता है और अपने आप को इस युद्ध में झोंके रखता है। बस हमेशा अपने आप को याद दिलाना है, एक और ट्राई करना है, एक और ट्राई करना है, और पता नहीं कौन सा अटेम्प्ट आपका खुद का होगा, और कभी भी खुद पर डाउट नहीं करना है। ये मैसेज बहुत क्लियर है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं और हम पहुंचते हैं आपके ऑप्शनल। ऑप्शनल बहुत क्रूशियल होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। और आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे की? मैं बहुत क्लियर हो चुका था पहले अटेम्प्ट में कि मुझे सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना है, एंड मैंने 5 अटेम्प्ट में सोशियोलॉजी से दी है, मैंने चेंज नहीं किया है। सोशियोलॉजी मैंने पहले अपने नोट्स खुद के बनाए हैं। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि हर चीज़ के नोट्स आपके परमानेंट बने होने चाहिए। मेरे पास एक नोट्स हैं जो हर साल मैं किसी किसी सब्जेक्ट से, किसी कोचिंग के मटेरियल से या किसी बुक से अपडेट कर लेता हूं। तो आप अपने नोट्स खुद बनाएं, और मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, उसकी मदद से ही मैंने क्वालिफाई किया है। बहुत बढ़िया। सोशियोलॉजी के लिए स्ट्रेटजी बच्चों को कैसे बताएंगे? सर, मैं ये कहता हूँ कि अगर जैसे कि अगर शुरू करना है तो बहुत सारे बुक्स हैं, जो बेसिक बुक जो सांगवान है, उससे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें सोशियोलॉजी की, तभी आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको चूज़ करें, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ें। आप किसी मटेरियल को उठा सकते हैं, कोई भी मटेरियल, कोचिंग के मटेरियल को आप उठा सकते हैं या कोचिंग कर सकते हैं, जो आपको सही लगे, आपको जैसे कंफर्टेबल आप हो, आप उसको पढ़ें, आपको समझ आता है, आप उसके शॉर्ट नोट्स खुद के बनाएं। देन आप जैसे कि मैंने उसको हर मतलब जो भी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, मुझे लगता है मैं हर को अपने नोट्स को हर चीज़ से अपडेट कर चुका हूँ एक बार, और कुछ बचा भी नहीं है सच मार्केट में। तो आप अपने खुद के नोट्स बनाएं और हर साल अपडेट करते रहें, करंट अफेयर्स से जोड़ते रहें, क्योंकि पेपर टू बहुत डायनेमिक है, बहुत डायनेमिक। तो उस पेपर टू में आप हर साल कोई करंट अफेयर्स ऐड करें, जो करंट आपकी वैल्यू ऐड करता है, आपके आंसर को यूनिक बनाता है, तो वो मुझे लगता है कि आपको आंसर स्क्रैच करने में, मार्क्स लेने में मदद करेगा थोड़ी सी। राइट। तो अगर देखा जाए तो आंसर राइटिंग पे आपने बहुत एम्फेसिस किया जी सर, कि आप पढ़ लेते हैं, और कई बार स्टूडेंट ये गलती करता है कि वो सिर्फ पढ़ लेता है और आंसर राइटिंग पर वो ज़्यादा फोकस नहीं करता। यहाँ एक ट्रेंड होता है कई बार कि पढ़ लो, लिखने का तो बाद में काम कर लेंगे, ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस फिलोसफी को बहुत गलत मानता हूँ कि पढ़ लो और अपने आप आंसर राइटिंग हो जाता है, बिकॉज पर्सनली आई नो पीपल जिनके पास मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज थी, बट उनको मेरे से कम मार्क्स आए। रीज़न बीइंग कि अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले अटेम्प्ट में जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, मैंने प्रीलिम्स की आंसर राइटिंग, अपनी आंसर राइटिंग प्रीलिम्स से बात शुरू की थी, जो आई थिंक इज़ अ बैड आइडिया। उस वक्त भी मैंने 40 टेस्ट दे दिया था अपने प्रीलिम्स का, मेंस का आंसर राइटिंग, मैंने 40 मेंस के पेपर लिखे थे उस बीच में, तो उसमें मैं पढ़ कम पाया, बट दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉज एबल टू क्वालिफाई टिल इंटरव्यू। तो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग जब पहले अटेम्प्ट में आप आंसर लिखते हैं तो बहुत बुरे आंसर लिख सकते हैं। मुझे यहाँ तक कि मैंने एक टेस्ट सीरीज दिया था, मुझे 50 नंबर आए थे। तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि, और 12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था, तो हो सकता है आंसर आपकी शुरुआत खराब हो, बट ट्रस्ट मी जितना आप लिखेंगे उतना बेटर होगा। सही गाइडेंस मिलेगी, सही तरीके से एनालाइज करें, टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करें आप, तो उससे आपको गाइडेंस मिलेगी, तो उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आंसर राइटिंग मस्ट है इस एग्जाम के लिए। सो मैसेज बहुत क्लियर है कि आपको राइटिंग करनी है, और ये आपके जो टाइम टेबल होता है, स्टडी टाइम टेबल, उसका एक मैंडेटरी पार्ट होना चाहिए। और जो आपका फियर फैक्टर है कि हम पहले प्री निकाल लें, उसके बाद हम लिखें, कुछ पढ़ लेंगे तब बहुत अच्छा लिखेंगे, ये जो एक टैबू है उसको आपको हटाना पड़ेगा, और आपको राइटिंग शुरू करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर एटलीस्ट कि हम इसके बारे में कितने पॉइंट जानते हैं। और इसी को देखते हुए हमने ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस लॉन्च किया, और ये सभी के लिए ओपन है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप ब्रेव ब्राउज़र पे भी जा सकते हैं, और वहाँ पर क्वेश्चंस हमारे द्वारा प्रोवाइड होते हैं,
आप जाकर वहाँ लिखिए, आप लिखकर उसको अपलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट, अगर आप डिजिटली नहीं लिख पा रहे तो आप वहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं अपनी भाषा में। और इसके बाद आप एक दूसरे के आंसर भी देख सकते हैं, और IITs में सिखाया भी जाता है कॉपरेट टू डोमिनेट, C2D, तो एक दूसरे को साथ कॉपरेट करिए और देखिए आप कैसे जो है वो एक फ्लाइंग कलर के साथ निकलेंगे। तो बहुत ही मैसेज क्लियर है, और देखिए आप सक्सेस होकर निकले हैं, जो एक्सपीरियंस आपने किया, सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस तो एक कहानी होती है, जो एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर होता है ना वो इंसान को बनाता है। और वही मैसेज क्लियर है कि फेलियर आने के बाद जब आप डिप्रेशन, आप जब समाज के दबाव को सामना करते हैं, तब आप कैसे अपने आप को करेक्ट, रिकरेक्ट करते हुए अपनी जीत की तरफ जाते हैं। पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि जो भीड़ है वो फ्री पर बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, और इतना ट्विस्टिंग कभी प्री नहीं था जितने पिछले कुछ सालों में हुआ है। मानते हैं आप इस बात को? मैं सर पैटर्न तो मैं तो 16 से दे रहा हूँ, एंड हैव सीन द पैटर्न चेंजिंग। 16-17 में फिर भी आप कोई बुकलेट पढ़ के आप आंसर कर सकते थे, बट आफ्टर 18, 19 एंड 20 एंड 21, तो जो मैंने फिल्म दिया है, आई हैव सीन द पैटर्न चेंजिंग। इसमें आपको एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ द जो क्वेश्चन जो आप रट के कर सकते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है कि आप रट के जाएंगे और कर लेंगे, इसमें आपको एनालाइज करना पड़ेगा, क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा। सो ये अब न्यू पैटर्न है इसका। तो प्री को क्रैक करने के लिए मैंने देखा आप कई ऐसे बच्चे जो इंटरव्यू फेस कर चुके होते हैं वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्री उनसे नहीं निकल पाता है, और आपके साथ तो दो दो बार ऐसा हुआ कि आप प्री जो है आपको आप नहीं निकल पाए। तो जो हमारे बिगिनर स्टूडेंट हैं जो अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या जो जिनका अटेम्प्ट खराब हो चुका है या प्री नहीं निकल पाए, उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजी बताना हो सकता है? पर्सनली विच आई बिलीव इज कि आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो मैं बिलीव करता हूँ कि आप ऐसे बैठ के रटे नहीं, आप कोई क्वेश्चन जैसे किसी भी आप मटेरियल को उठाइए जो क्वेश्चन पेपर मार्केट में है, उसको उठाइए, हर दिन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैं 100 नहीं कहता कि 100 बहुत लोडेड हो जाता है, फिर आपके पास टाइम नहीं बचता कि एनालाइज करें। आप हर दिन 20 क्वेश्चन उठाएं, और ये आप जनवरी से स्टार्ट करके जून में पेपर होता है 5 महीने, ज़्यादा लोड ना लें, जब मेंस की प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद स्टार्ट करें, और फाइट मारें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप जब 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसको एनालाइज करिए, दोबारा उसको सॉल्व करिए कि मैं इसको बिना नॉलेज के कैसे सही कर सकता था। बिल्कुल, इस तरीके से आप यू कैन ट्राई टू फिगर आउट कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इफ इवन इफ आई डोंट हैव द सफिशिएंट नॉलेज, हाउ कैन आई सॉल्व इट। दिस इज व्हाट यू कैन डू विद द यूपीएससी क्वेश्चंस आल्सो, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, जो लास्ट 4 साल में जो पैटर्न चेंज हुआ, आप उन चार साल के क्वेश्चन को उठाएं और ट्राई करें कि कैसे कैसे इसमें कौन सी ट्रिक लगा के मैं इसको सही कर सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर मैंने क्लासेस में RSM के बारे में बताया, रिवर्स स्टडी मेथड, जैसे हमारे यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। रिवर्स स्टडी का मतलब होता है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात क्वेश्चन के साथ एक साइकोलॉजिकल फियर होता है। बिल्कुल, आप यकीन नहीं मानेंगे ऐसे सिली मिस्टेक्स एग्जामिनेशन हॉल में होती है, जो वहाँ पूछा गया कि ट्रू क्या है, हम फॉल्स लगा के चले आते हैं, बबल्स गलत हो जाते हैं, ऑल करेक्ट में हम ऑल इनकरेक्ट चूज कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, सिर्फ साइकिल आपके नॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। अच्छा, जब क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ते हैं तो उसके दो फायदे हैं। एक तो पहली बात, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है, पूछना कैसे चाहता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा है, बिगिनर सोचेगा मैंने अभी तो विपिन चंद्रा पढ़ी नहीं तो मैं क्वेश्चन कैसे लगाऊं, लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं तो क्वेश्चन कैसे लगाऊं। उसमें एक दूसरा मेथड भी होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपको आंसर नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन जब आप बुक उठाते हैं तो आपको स्ट्राइक करता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था और मुझे इसका आंसर नहीं पता। आप जब राज्यसभा पढ़ रहे होते हैं और आपने राज्यसभा का क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है तो आपको समझ में आता नहीं मुझे इस पर फोकस बहुत करना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बुक से आप बेस्ट क्या निकालते हैं। इसको रिवर्स स्टडी मेथड कहते हैं, यानी क्वेश्चन पढ़ के अपने टेक्स्ट को एनरिच करना, उसको फिश करना कि मेरे काम का डाटा कहाँ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इन्होंने बहुत क्लियर दिया कि आप सभी जब से पढ़ाई शुरू करें, 20 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, 25 मिनट 30 मिनट इससे ज्यादा नहीं लगेगा, शुरुआत में हो सकता है 35 मिनट लग जाए, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको अपना कंपाइल करते जाइए कि मेरे से गलतियां हुई, एनालाइज करिए आप इस पे कि मेरे से क्या गलती, उनको कहीं इकट्ठा करते जाइए कि बार बार, और आप देखेंगे आपका एक ट्रेंड होता है जी सर, जो सेगमेंट में आप गलत कर रहे हैं वो गलत करते रहेंगे। और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जो हमने लॉन्च किया है उस पर हम रेगुलर फ्री क्विजेस दे रहे हैं, रेगुलर हमारी तरफ से क्विजेस जा रहे हैं। आप चाहे न्यूज़पेपर के बेस पे जाइए, कन्वेंशनल क्वेश्चन पे जाइए, इससे आपको ये फायदा होगा, एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लैंग्वेज बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो ये रहा प्री को लेकर जो एक आपकी जो पढ़ाई का टाइम टेबल है, ज्यादातर ये बड़ा चार्म होता है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहे हैं उनका टाइम टेबल क्या रहा है। सो टाइम टेबल जैसे मेरा जो मैं फॉलो करता था कि whatever time I sleep by 1 or 12, जब भी मैं सोऊंगा उसके 7 घंटे बाद I'll awake, 7 hours की स्लीप होती थी, एंड देन आई जो भी है 1 घंटे में आई गेट फ्रेशन अप
एंड ब्रेकफास्ट करके फिर आई विल गो एंड स्टडी लाइक इफ आई एम गोइंग टू स्टडी एट 8 आई विल टेक अस लाइक 4 आवर की सेटिंग में लगाने की कोशिश करता 2 आवर फिर गैप फिर 2 आवर इस टाइप से लगाने की 12 बजे तक मैं सेटिंग लगाने की कोशिश करता था पहले 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था और किसी समय ऐसा होता था जैसे इंटरव्यू से पहले मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो 3 घंटे मुझे न्यूज़पेपर में लग जाते थे जब 1 न्यूज़पेपर था 2 घंटे न्यूज़पेपर में लगते थे उसके बाद जब न्यूज़पेपर मैं पढ़ लेता था तो पुरानी चीज़ों को रिवाइज करता था वो पहले हाफ में जैसे 12-1 बजे तक लंच तक मैं पुरानी सारी चीज़ें रिवाइज करता था रेगुलर करते थे रेगुलर रिवीजन आपके 3 घंटे मैं रेगुलर रिवाइज करता था फिर अगले मैं जब 2 बजे 1 बजे खाना खा के आधे घंटे में खाना खा रहा था आधे घंटे नैप लेता था फिर मैं 2 बजे उठ रहा हूँ तो आई ट्राई कि 6 बजे तक मैं कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लूँ और फिर 6 से फिर जब मैं 8 बजे या जब भी 6 से बीच में गैप लेते हुए 12 बजे तक मैं कुछ स्टैटिक पढ़ूँ तो ये मेरा टाइम टेबल होता था करंट स्टैटिक रिवीजन न्यूज़पेपर सब एक साथ में हर दिन करता था ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है एक तो काफ़ी बच्चों ने जब अपना टाइम टेबल भेजा कि वो अपना जो स्लीप स्पैन है बहुत छोटा कर देते हैं कहते हैं सर 4 घंटे 5 घंटे ज़्यादा क्या सोएं वो फलाना ने बोला था इतना करना चाहिए तो पहली बात आपको एक साउंड स्लीप लेनी है सोना बहुत ज़रूरी है और दूसरा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़पेपर आपकी तैयारी का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए एग्री करते हैं आप इस बात से बिल्कुल बहुत से बच्चों में कहते हैं सर मैगजीन कौन सी पढ़ रहे हैं कोई कोई मटेरियल मिल जाए न्यूज़पेपर मस्ट और इसलिए 2 घंटे और उसके बाद मैंने इनको 60-40 रूल सिखाया बच्चों को कि आपकी पूरी पढ़ाई का 40% टाइम या 30% टाइम आपका रिवीजन में जाना ही जाना चाहिए जी सर और आप देखिए कि आप पूरा एक जो दिन का 1/4 हिस्सा था वो रिवीजन और न्यूज़पेपर में लगाते रहे इसके बाद करंट अफेयर्स पर फोकस इसके बाद स्टैटिक पार्ट पर एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलें तो आप भी इस तरह के जो रूल्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं फोकस कर सकते हैं अपनी हेल्थ पर अपनी नींद पर क्योंकि अगर नींद आपकी कम हो जाएगी तो आपका माइंड जो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन रिसीव करना बंद कर देगा जी सर फिर आपको चिड़चिड़ाहट होती है आपके बिहेवियर चेंज होता है और धीरे धीरे आपको कुछ ऐसा महसूस होने लगेगा कि चारों तरफ बहुत निगेटिव चीज़ें चल रही हैं आपका माइंड ही आपके साथ कर रहा होगा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसको रिपेयरिंग करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है तो ध्यान रखें आप इस तरह का टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं जो भी आपका स्लीप टाइम है जैसे आप 12 बजे के आसपास सो रहे हैं 1 बजे के आसपास सो रहे हैं कोई जल्दी सो जाता है तो 6 घंटे तो कम से कम आप सोने के लिए निकालें उसके बाद बाकी टाइम आप पढ़ाई के लिए निकालें और अपनी पढ़ाई में 2 चीज़ों को रखें जो इन्होंने रखा वो न्यूज़पेपर मस्ट है yes. और दूसरा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है yes. पढ़ते समय नोट्स बनाने की आदत रही आपको सर नोट्स मेरे लिए प्राइम रीजन रहा जिसकी वजह से मुझे लगता है मैं क्वालिफाई कर पाया मैं हर चीज़ के नोट्स बनाता हूँ मेरे पास हर GS1 के GS2 के GS3 के GS4 के मैंने खुद के पर्सनल नोट्स बनाए हुए हैं मैंने बहुत सारे मटेरियल से मिलाकर एक जगह नोट्स हर सब्जेक्ट का बनाया हुआ है यहाँ तक कि मेरे ऑप्शन खुद के नोट्स हैं जो मैं हर साल अपडेट कर लेता हूँ तो इस तरीके से यहाँ तक कि मेरे ऐसे भी खुद के नोट्स हैं तो हर चीज़ के मैं नोट्स बना के पढ़ता हूँ अच्छा नोट्स बनाने में भी कई मेथड्स होते हैं एक होता है जैसे बच्चा किताब देखता रहता है वही सेम लिखता रहता है जी सर हम काफ़ी फोकस करते हैं LW में और साइनोप्सिस में मतलब हम उसको सिंबल्स शॉर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ताकि क्विक रिवीजन कर सके आपके नोट्स कैसे रहे सर जैसे कि जैसे मैं लक्ष्मी कांत के नोट्स नहीं बनाता या स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं बनाता बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि वो खुद ही एक नोट्स हैं जैसे जो बुक्स जो कि बेसिक बुक्स हैं जो कि खुद एक नोट्स के फॉर्म में आए दे आर नॉट द एक्चुअल बेसिक बुक्स बट दे आर इन द फॉर्म जो खुद ही कंपाइल होकर आए तो मुझे उनके नोट बनाने की जरूरत नहीं लगती थी मैं मेंस के लिए मैंने ज्यादा स्पेसिफिक नोट बनाए थे या करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं 2 बुकलेट का पढ़ रहा हूँ किसी भी तो मैं उसके नोट बनाता था क्योंकि बुकलेट में अगर आप देखेंगे किसी भी मटेरियल उठाएंगे तो एक पेज में मुश्किल से 4 से 5 लाइन काम की होती है बाकी सारी कहानियां होती हैं बिल्कुल उस 5 लाइन को आप निकाल के अपने पेज में लिख लें और उससे बहुत आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा सारा मटेरियल यानी नोट शॉर्ट फॉर्म में बनाने चाहिए बिल्कुल सर जो इजी टू रिवाइज हो जी तो बहुत लंबे और बल्कि नोट्स बनाने से कोई फायदा नहीं है अच्छा बुक्स पढ़ ली जाए तो ज्यादा अच्छा है यस सर तो बातचीत का सिलसिला हम और आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं आपके इंटरव्यू तक जी सर बड़ा क्रूशियल पार्ट होता है जी बोर्ड किसका था मेरा सुजाता मेहता मैम का बोर्ड था कैसा रहा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वाज गुड बिकॉज मैम बहुत काम थी बहुत कंफर्टेबल किया मुझे पहले एक बार बीच में ऐसा भी हुआ कि किसी इंटरव्यू मेंबर ने इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर ने उसे ये सब कुछ सवाल पूछ लिए कास्ट के रिलेटेड और बिहार से कास्ट के इलेक्शन को रिलेटेड तो मैम ने यहाँ तक क्वेश्चन चेंज करवा दिया तो आई फेल्ट वेरी मच कंफर्टेबल कि मैम मेरे पास कोई लोड और प्रेशर नहीं बनाया गया एक जगह पे काफ़ी फिल करने की कोशिश की गई बट अगले मेंबर ने फिर कवर कर लिया तो बोर्ड वॉज वेरी मच कोजी मेरे लिए तो मैं कहूँगा मेरे को कंफर्टेबल काफ़ी फील कराया गया आपके जो एक्सपीरियंस है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लग रहा था कि हमारे ऑडियंस को जानना चाहिए वो क्वेश्चन का जवाब देने का तरीका जैसे मुझसे एक जगह पूछा था कि आप जैसे मैं इससे पहले भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ बहुत बढ़िया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे आपको तो क्या छोड़ देंगे
तो वहाँ पे मैं बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने उनको ऐसा किया मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, और यहाँ तो उन्होंने पूछा कि नॉर्थ ईस्ट में सर्व करने मिलेगा अपने स्टेट को छोड़कर, तो भी करोगे? मैंने बिल्कुल करूंगा। तो दी कॉन्फिडेंस भी चाहिए शोर्ड, उनको शायद मुझे लगता अच्छा लगा था कि ये सर्विस में एक्चुअली आना चाहता और ऐसा नहीं है कि कुछ फेक कर रहा है। तो ये चीज थी जो मुझे लगा कि आपको कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इंटरव्यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में आपके क्वेश्चंस ऐसे जो लग रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ऑडियंस कुछ क्वेश्चन जानना चाहती ताकि प्रिपरेशन में उनको भी हेल्प हो सके, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, आप क्या एग्जांपल देना चाहेंगे? सर मैं जैसे बताऊंगा कि मैं 2015 का पास आउट हूँ, IIT दिल्ली से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है। इवन आफ्टर 5 to 6 ईयर्स उन्होंने मुझसे, तीन बोर्ड मेंबर ने यही पूछा, केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड सवाल पूछे कि केमिकल इंजीनियरिंग क्यों इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, हमने एक्सपेक्ट किया था केमिकल इंजीनियरिंग कोई नया फील्ड बन जाएगा जब आया था, तो केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे। तो मुझे लगता है कि आपका जो ग्रेजुएशन पार्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक ये आप अच्छा कर सकते हैं, दूसरा कि जैसे मैं सिलेक्टेड था एज अ म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन बिहार, तो उसके रिलेटेड भी उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे कि आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, कब तक ज्वाइन करेंगे, आप हेजिटेंट क्यों है ज्वाइन करने में, एक ये सवाल था। और दूसरा मुझे करंट अफेयर्स जिनसे, उस समय एक्चुअली बॉर्डर इशू चल रहे थे आसाम के, तो उसके रिलेटेड पूछा कि बॉर्डर इशू क्यों चल रहे हैं, क्या हो सकता है। तो करंट अफेयर्स, आपका ग्रेजुएशन पार्ट और आप जहाँ पे अभी सर्व कर रहे हैं या सर्व करने वाले हैं उसके रिलेटेड वो क्वेश्चन जरूर, आपके फील्ड के बारे में अच्छी जानकारी है। जी सर, जो हमारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए? इंटरव्यू के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये कहूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटरव्यू की जब आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। बिल्कुल, वो न्यूज़पेपर आपके थॉट प्रोसेस डेवलप करने में हेल्प करता है। आप क्या आइडियोलॉजी बनाते हैं अपनी, क्या थॉट बनाते हैं, किस थॉट से आप एग्जाम को लिख रहे हैं, कितना क्रिटिकल एनालिसिस कर पा रहे हैं, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका क्रिटिकल एनालिसिस की स्कोप बढ़ जाता है, आपका नैरो माइंड काफ़ी ओपन हो जाता है। तो अगर दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ज़्यादा होता है, बट आई वुड से कि वन न्यूज़पेपर पर कन्फाइन करें खुद को और अच्छे से पढ़ें, एनालाइज करें उसको, तो उससे क्या होता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हेल्प होता है पहला। दूसरा कि आप कोशिश करें कि किसी अच्छे लोगों से कनेक्टेड हो इंटरव्यू के लिए, ताकि आपको अच्छी गाइडेंस मिल पाए। आपकी वर्ड जो भी आपने डेस्क में लिखा है हर वर्ड पे आपके पास नोट्स तैयार होने चाहिए। थर्ड, कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है जो सबसे मेजर रोल है पूरे इंटरव्यू का, आप कॉन्फिडेंट रहें, ना ही बहुत डम साउंड करें या ऐसा ना साउंड करें कि आपको कोई भी दबा सकता है, ना ही आप बहुत ओवर एक्साइटेड साउंड करें, आपको दोनों को बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। आई थिंक दिस, यस सर, ऑनेस्ट रहें, क्योंकि आपने जो आंसर दिए बड़े ऑनेस्ट थे। यस सर, आपने कुछ मैनिपुलेशन नहीं किया, क्योंकि मैनिपुलेशन वो पकड़ लेते हैं। जी सर, बिल्कुल पकड़ लेते। मैसेज बहुत क्लियर है, और मुझे लगता है कि जिस समय आप UPSC की प्रिपरेशन पर सोचना शुरू करें उसी समय अपनी पर्सनालिटी पे काम भी करना शुरू। बिल्कुल सर, क्योंकि DAF जो होता है, डिटेल एनालिसिस फॉर्म, वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी का रिटर्न फॉर्म होता है। बिल्कुल, वो मतलब उसमें आपकी पूरी, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी आपकी पर्सनालिटी की कुंडली होती है, और उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन वो उठाते हैं, वो पूरी जर्नी को एनालाइज करते हैं। तो जैसे ही आप जिस दिन से शुरू करें कि नहीं मुझे अब UPSC के लिए सोचना है, उसी समय अपनी पर्सनालिटी के एक ट्रेट्स पर आप काम करना शुरू करें। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, और वो होता है UPSC के इंटरव्यू में हॉबीज़ पर बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इसमें? जैसे मैंने अपनी हॉबी लिखी थी, विपसना करता हूँ मैं, एंड ग्रेटिट्यूड डायरी लिखता हूँ, तो सुजाता मेहता मैम जो है वो हमेशा इंटरव्यू के बाद वो पूछती हैं कि क्या कुछ ऐसा रह गया जो मैं नहीं पूछा है मैंने, तो विपसना पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था मुझसे, ग्रेटिट्यूड डायरी पे नहीं पूछा था। तो एंड में उन्होंने मुझसे पूछा है कुछ ऐसा है जो हम उनसे पूछ सकते हैं, तो मैंने कहा मैम वी कैन श्योरली टॉक अबाउट ग्रेटिट्यूड डायरी, तो उन्होंने उससे बात किया, उनको अच्छा लगा कि क्यों लिखते हो, क्या करते हो, तो शी वॉज आई थिंक इम्प्रेस बाई दी आइडिया की ग्रेटिट्यूड डायरी के आइडिया से। तो यस, मुझे लगता है बहुत मेजर रोल प्ले करता है, आपको आइडेंटिटी शो करता है कि आप कितना वर्सेटाइल हैं, आप क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, आप क्यों वो करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाए। मुझे लगता है कभी भी फेक नहीं करना चाहिए, कभी भी इंटरव्यूअर के सामने फेक नहीं करना चाहिए कि उनको पता है, दे कैन रियली कैच यू, उनकी 60 साल से वो इसी फील्ड में है। बिल्कुल, तो देखिए हॉबी डेवलप करने के लिए कोई आर्टिफिशियल होना बहुत ज़रूरी नहीं है। यस सर, आप लोगों को जब मैं मेडिटेशन की क्लास लेता हूँ तो मैंने आपको ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन सिखाया था, क्योंकि जब तक आप नेगेटिविटी से भरे रहोगे तब तक आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं जा पाओगे। yes, sir. तो देखिए विपासना करना, कई बच्चों ने कहा कि सर हम क्या हॉबी डेवलप करें, yes. तो ध्यान लगाना व्यक्तिगत है, हम लोग करते हैं, हम लोग सुबह सुबह मेडिटेशन की क्लास में मैं आपके साथ आता हूँ
और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि वो सभी बंधन, ना मुझे किसी से नफरत है yes, और ना मेरा किसी के प्रति, किसी ने मेरे साथ गलत किया मैं उसको माफ करता हूँ, मैंने किसी के लिए गलत किया तो मैं उससे माफी मांगता हूँ और फ्री सोल के रूप में मुक्त होकर चलना। तो देखिए डायरी लिखना भी एक खास तरह की डायरी राइटिंग करना जो पॉजिटिव है, ग्रेटिट्यूड डायरी राइटिंग एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करती है, सबकॉन्शियस माइंड को फ्री करती है। बिल्कुल सर। और देखिए ये भी हॉबी हो सकती है, और देखिए कितना इम्प्रेस होता है इन सब चीज़ों से इंटरव्यू बोर्ड, तो हॉबी को डेवलप करिए, या कम से कम अगर हॉबी नहीं है तो आपको ये जरूरी नहीं कि टेनिस खेलना ही आपकी हॉबी है, फुटबॉल खेलना है, इसको हॉबी हम लोग कई लोग समझते हैं। देखिए डायरी राइटिंग भी एक हॉबी है, और क्यों है बस आपको पर्पस पता होना चाहिए। आप उसमें कुछ अपने लिए, अपने लोगों के लिए अगर आप कर पाते हैं तो फिर बहुत अच्छा है। सो मैसेज बहुत क्लियर है कि आप अपनी ऑनेस्टी, अपने स्ट्रेंथ पर लगातार काम करते रहें। बातचीत के सिलसिले को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। डिस्कशन के दौरान जब हम बात कर रहे थे तो NCERTs को लेकर एक बहुत बहुत ज़्यादा मैं सब चीज़ें हैं। यस सर। नई वाली पढ़ें, पुरानी वाली पढ़ें, केवल 11-12 की पढ़ लें, आपकी अपनी सक्सेस में स्पेशली प्री में NCERT को कितना इंपॉर्टेंस मानते हैं? सर पहली बात तो मैंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ओल्ड NCERT या न्यू NCERT। जो भी NCERT है मुझे लगता है सरकार ने बनाई है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी। न्यू पैटर्न आया है तो न्यू पैटर्न में पढ़िए। मैंने जो NCERT मुझे मिली, न्यू मिली थी, मैंने उसको पढ़ा एंड दैट वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी। हेल्पफुल इसलिए था क्योंकि मैं जब NCERT से पढ़ाई शुरू करी तो मैं उस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाया खुद को। जब मैं उस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाया, बिल्कुल बेसिक से अगर कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो लंबे दौर तक हम जा सकते हैं। अगर बीच में अचानक से मैं लक्ष्मीकांत सीधा उठा लिया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुझे पता ही नहीं कि पार्लियामेंट क्या है, देश कैसे चल रहा है। और मैंने पहला चैप्टर उठा लिया सिटीजनशिप और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। इससे पहले मैं बेसिक कहानी पढ़ूं देश में क्या चल रहा है, क्या है, ये NCERT को बहुत डिटेल में अच्छे से बताती है। तो जब आपको डिटेल में सब बता देती है फिर आपको पढ़ने में मज़ा आता है। जब आपको मज़ा आता था आप ज़्यादा पढ़ पाते, तो इसलिए थोड़ा पीछे से स्टार्ट करने से ये फ़ायदा रहता है। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की, और देखिए मैसेज कितना क्लियर है, सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं और एग्जाम को इन्होंने फेलियर को भी बर्दाश्त किया और ये सक्सेसफुल होकर निकले। मैसेज बड़ा ध्यान से समझिएगा, मैसेज में उन्होंने वर्ड यूज़ किया अंडरस्टैंडिंग और दूसरा वर्ड यूज़ किया रीडिंग, कि आपने इंटरनेट पे गए, आपने रेफरेंस बुक उठाई, नहीं आज तो मोटी वाली किताब खरीद के लेकर आएंगे। लोग तो लक्ष्मीकांत भी नहीं रुकते, DD बसु सीधे खरीद के लेकर आते हैं कि हम भाई IAS की तैयारी करने आए तो हल्की फुल्की किताब तो हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है NCERT की बुक्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग की बुक है, वो आपको एक बच्चों की तरह बातचीत करते हो, आपको सिखाती हैं। और मैसेज क्लियर है कि एक बार आप सब्जेक्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, विषय आपको समझ में आने लगता है, और जब वो समझ में आने लगता है तो आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। फिर लक्ष्मीकांत में सिटीजनशिप क्या कह रहा है, मेरी कंट्री में कैसे रूल्स बने, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, वो मुझे अब समझ में आने लगेगा, अब वो मेरे लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ। तो इसलिए NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप उसको पढ़ें। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, NCERTs को लेकर आजकल क्रक्स का दौर चला हुआ है। यस सर। फैक्ट्स निकाल लिए, जैसे ज्योग्राफी के फैक्ट, नदियाँ कितनी हैं, पहाड़ कितने हैं, माउंटेन्स की पीक की लोगों ने ऊंचाई तक याद कर डाली, नोट्स भी इस तरह से मिलते हैं। और एक होता है जहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं ना कि हम उसके बिटवीन द लाइन BTL उसको समझते हुए आगे बढ़ते। मुझे लगता है कि जो NCERT है उसको आपको अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उससे फैक्ट किसी से निकाल के पढ़ेंगे तो वो फैक्ट जो है वो अगली जो आप बुक पढ़ने वाले थे, जैसे लक्ष्मीकांत है या शंकर है, वो सारे फैक्ट ही एक्युमुलेट करके आपको दे रही है। तो हम इसलिए NCERT पढ़ें ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और ये जो फैक्ट है उसको हम कनेक्ट कर पाएं। जब तक आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अगर आप इसको भी फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे और इसको भी फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। तो NCERT इज फॉर अंडरस्टैंडिंग विच लेटर कन्वर्ट्स टू फैक्ट्स, जो कि बेसिक बुक्स आपको जो होती हैं लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, सिंघानिया, ये सारी बुक्स ये वही करके दे रही हैं आपको। तो इसलिए NCERT को आप अंडरस्टैंड करें, पहले अंडरस्टैंड कर लें फिर आगे बुक्स पे जाएं जो एडवांस बुक्स है, फिर उसको पढ़ें। बहुत क्लियर मैसेज है, फैक्ट्स की बजाय NCERT आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए प्रेरित करती है। आप कैसे उसको इंटरलिंक कर सकते हैं जी सर, आने वाला जो स्टेज है, जो मेंस का स्टेज है, जो रेफरेंस बुक है, उसके साथ आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज का जो ये बातचीत रही बहुत ही अच्छी रही, और आप एकेडमी के वैल्यूज़ को लेकर काफ़ी जो है वो अवेयर भी हैं। हमारे स्टूडेंट्स अपने आप को जांगियन कहते हैं और एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि हम एक फैमिली की तरह कनेक्ट हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने समय के हिसाब से। बहुत ही कम उम्र में बच्चे जोड़ते हैं और काफ़ी एंथुजियाज्म के साथ पढ़ाई करते हैं। आप अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ, आपने जो संघर्ष किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे जांगियंस के लिए? सर जैसे आपने बताया कि ओजांग एक फैमिली की तरह है आपके लिए, तो आई वुड से कि इस फैमिली में, जैसे कि मेरा जो पर्सनल बिलीफ है, इस एग्ज़ाम में
आपको ना एक अच्छे लोग चाहिए होते हैं अराउंड, तो आई थिंक सर वो प्रोवाइड करा ही रहे होंगे जहाँ आपको एक अच्छा ग्रुप मिले पढ़ने का। दूसरा आई वुड से कि जब भी आप फेल हों तो आप अपने फेलियर की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। बिल्कुल, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो रहे हैं आप सर से आएँ, सर से पूछें कहीं आपकी गलती रही होगी जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं। कोई ऐसे नहीं होता है कोई अचानक से फेल हो जाए और कोई पास हो जाए, देर इज़ समथिंग जहाँ हम गलती कर रहे हैं, हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ वेयर ओजांकिंस कैन हेल्प ईच अदर। सो दीज आर टू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू से टू ओजांकिंस राइट नाउ। सो आपके लिए मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी अपनी हिम्मत ना हारें, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, और अगर हार हमारे हिस्से में आती है, नहीं जीत पाए कोई बात नहीं है, फिर से ट्राई करना है, पूरी कहानी इतनी है। खुद पर कभी भी विश्वास जो है वो हटने नहीं देना है, कि अगर आपने ये सपना देखा है तो वो पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। यस सर, और हम एक परिवार के रूप में धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है, और जो जंकिन फैमिली इतनी बड़ी है, 2 मिलियन का परिवार होने जा रहा है, तो एक जो पर्सनालिटी है उसको आपको कैरी करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो सेवा है वो आपको परिवर्तन का माध्यम देती है। बहुत मैसेज में बार बार ये क्लियर करता जा रहा हूँ, ये कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो सुबह आपको निकल कर शाम को आप घर आ गए और अपना परिवार पाल रहे हैं। अगर जिस दिन आपने UPSC में सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देख लिया, उसी दिन आप ये भी समझ लीजिए कि आप इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए एक परिवर्तन का एजेंट बनने जा रहे हैं। और जो परिवर्तन करता है वो बड़ा ताकतवर होता है। ताकत शरीर की नहीं है, ताकत मन की है, ताकत दिमाग की है, ताकत इरादों की है। तो अपने इरादों को बहुत ही स्पष्ट करके रखिए कि आने वाला समय, जो भविष्य है हमारा, जब पलट के आपको देखे तो वो समझ में आए कि ये वो एक साधारण सा लड़का था या साधारण सी लड़की थी जिसने अपने इरादों से हिंदुस्तान में, इस भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर खड़ा कर दिया। और वो परिवर्तन की मिसाल आप हैं, वो एक मशाल लेकर चलने का उत्तरदायित्व आपके अंदर। तो अगर आप कमज़ोर होंगे तो आपके इरादे कमज़ोर होंगे, और आपके इरादे कमज़ोर होंगे तो ये लड़ाई आपकी नहीं होगी। तो जुट जाइए, भिड़ जाइए, और अपनी तैयारी को आगे लेकर चलिए, और सबसे बड़ी बात अपनी पर्सनैलिटी पर काम करिए। जीत और हार के मायने बताना दुनिया को आपके इरादे ही तय करते हैं। तो जुट जाइए, और ऑल द बेस्ट आप सभी को, और ऑल द बेस्ट आपको पूरे परिवार की तरफ से, सभी ओजांकिन की तरफ से, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और आप एक बेहतरीन करियर लेकर जाए। और आने वाले समय में जब हम आपके बारे में पढ़ें, जब आपकी अचीवमेंट्स के बारे में जानें, तो हमें गर्व हो कि हम कभी एक साथ बैठ के इस तरह से बातचीत करते रहे। और आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और बहुत जल्दी ही जो है वो आपको इनवाइट किया जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए पूरे परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच। I would like to thank Ojankins for inviting me here and talking to themselves. Thank you so much.